अच्छा, ये आलू भुजिया की सब्जी बनाई है, मस्त। वाह, इधर चावल और क्या बना है? अरबी। ये अरबी की सब्जी। और निशा मैडम इधर आराम कर रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों इतना ब्लैक ब्लैक आ रहा है मेरे मोबाइल में? नहीं तो भी याद है। अंशु, मेरे मोबाइल में इतना ब्लैक क्यों आ रहा है? कहाँ है अंशु? अंशु, अंशु, मेरे मोबाइल में इतना ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है? क्या ब्लैक आ रहा है? ऐसे कलर। अभी ग्रोसरी शॉपिंग में मुखवाट। अभी अभी मुक्कु ग्रोसरी शॉपिंग कर लाया है, इतने धूप में गर्मी में बेचारा ग्रोसरी शॉपिंग किया है। निशा मैडम को मेरे हमारी दीदी चाय पी रही है। एक गाउन बड़ा अच्छा लगता है आपका। हाँ, जगदलपुर है ना? हाँ। देख फिर बहुत काला काला आ रहा है। चले गए। कहाँ गए से? पिक्चर गए ना। अभी किसका? हाँ, अच्छा। अरे मैं बोलूँ वो तो आ भी गया। उमन हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। खैरागढ़ से मेरे बड़े भाई का बेटा आया है दुर्ग, संजना, क्योंकि उनकी जो बेटी है संजना वो आई है दिल्ली से, इसलिए उसको लेने के लिए। तो वो उसके दोस्त लोगों के साथ आया, तो अभी मूवी देखने गया है, तो वही बात हम लोग कर रहे हैं। चाय बनाने बैठी है, गप मारने चली गई। तो मुक्कू नहीं पिया था क्या चाय? आधे सवेरे को मना करी चाय मत बना दे, छोड़ दे दूध ली से, संग कुछ दवाई ली से। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ रवे का सीरा यानी रवे का हलवा। उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में शुद्ध घी लिया है। अच्छे ज्यादा मात्रा में घी लो तभी हलवे का मजा आता है खाने का, कम घी में मजा नहीं आता है। तो मैं घी अच्छे से जब गर्म हो गया, आज निशा का गुरुवार उपास है तो वो बोली दीदी आज आप बनाओ हलवा, तो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले घी लिए, घी में ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और कोकोनट वो डाल करके उसको पहले मैं अच्छे से घी में भून ली। उसके बाद रवा डाल के रवे को भी अच्छे से भूनना है, बिल्कुल ब्राउन कलर होते तक, तभी मजा आता है। एक तो घी भी ज़्यादा होना और भूनना भी अच्छे से चाहिए, तभी हलवे का मजा आता है। ये रवे में अगर थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा बेसन भी मिला दो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने शक्कर का पानी करके रखा था वो डाली हूँ, और साइड में केसर और थोड़ा सा येलो कलर वो भी घोल करके रखे थे, उसको भी मैंने इसमें मिला दिया है। और उसके बाद अच्छे से चलाना है गाढ़ा होते तक, फिर हलवा बन करके तैयार। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था हलवा। कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना टेम्प्टिंग कलर आया है। अरे बाप रे, निशा मैडम एकदम डॉक्टर के जैसे बैठी है। दवाई मेडिसिन दे दी सबको। भाई बिल्कुल जैसे डॉक्टर, अभी डॉक्टर का रोल किरदार निभा रहे हो क्या? नहीं नहीं जी, चाय आप खाना को
तो बताओ, खाना बताना एक चीज पूछना पड़ता है, सामने वाला देख के नहीं आता, सब्जी बताओ उसको बताई, फिर एक जन लेट आया उसको पूछी। अब जिम्मेदार नहीं हूँ कहते, पर अपनी जिम्मेदारी हिसाब से मैं निभा लेती हूँ। बराबर अंशु, देखते भग जाता है वो कुछ पीछे की बुआ। ये देखो अब होता है, ये बताया उससे सफेद और फिर अंशु देख बेटा, तू बताया जैसे सफेद हुआ पर फिर वापस काला हो गया, ऐसे बताया तू, और इसको ऐसा खींचना, ये खींच दी, अब फिर थोड़ी देर बाद फिर काला हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाता है। हाँ, तो वो लॉक कर दो ना इसको, ये देखो कैसे करते, ये किए ऊपर करो आप, ये देखो यहाँ ताला बन के आ रहा है एक, तो उसको दबा दो ना लॉक हो जाएगा। अरे ये देखो, ये ऐसे किए, ये है थोड़ी देर, और ऐसे ऐसा किया और यहाँ लॉक, अरे रुको यहाँ दिखा नहीं रहे, लॉक गायब हो जाता है ना, वही तो, ये है ये लॉक है, इसको दबा, अरे दवाई नहीं, ये है लॉक दबा दिया तो ये लॉक हो गया, अब ऐसे ही चलेगा ये, बराबर रहेगा ना। अब चलो हम जा, निशा मैडम, निशा मैडम आपकी ननन जा रही है, कैसा लग रहा है? हम अपनी ननन को रुकने के लिए बोल रहे हैं, पर हमारी ननन इतनी जल्दी में कि जाने जल्दी हो रहा है, क्यों? क्या नहीं मिल रहा है? ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।